हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और ये 9वीं का गणित का पेपर आ चुका है, तो चलिए इसके विकल्प को का चयन करते हैं। तो सबसे पहले है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तब। तो इसका आंसर रहेगा माइनस 3, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है वाई एक्सिस से बिंदु पी 3-4 की लंबिक दूरी है, तो इसका आंसर रहेगा 3। ठीक है, अगला है बिंदु माइनस चार किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर चतुर्थ रहेगा। ठीक है, फिर अगला है शून्य बहुपद की घात है तो परिभाषित नहीं इसमें आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं बिंदु 7-6 की कोटि का मान है -6, इसका -6 आंसर रहेगा। ठीक है, अब सत्य असत्य मिलाते हैं। मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है, तो ये बात सही है, सत्य है। ठीक है, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, सत्य है। अगला है बहुपद x³ - 2x² + 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यह असत्य है। ठीक है, यह असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, बहुपद बिंदु 2-3 दोनों अक्षों एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर स्थित है, यह भी असत्य है। √2 बहुपद का घात 1/2 है, ये भी असत्य है। ठीक है, अब आगे रिक्त स्थान। चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में 1/4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसमें 1/4 आएगा। ठीक है, 515 में 5 का भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ये सही है। 4/3 × 12/22 का आंसर यह रहेगा। 4/3 - 1/2 का आंसर 5/6 रहेगा। और 2+2/2 का मान रहेगा 3। ठीक है, सही जोड़ी देखिए, वृत्त का छायांकित भाग है, तो इसका आंसर रहेगा 0.75। ये जो लास्ट में मैंने दिया है ये यहाँ पर। ठीक है, अगला है 3/4, इसकी वैल्यू रहेगी 6/8, इसमें 2 का गुणा कर दिया है। 7/11 + 4/11 तो ये कितने हो जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, क्यों 11/11 यानी कि 1। 35 का 1/5 यानी कि क्या आंसर आएगा, 7 आएगा आंसर इसका। 40% तो 40/100 रहेगा। रखे हैं सीधा आंसर हमने दे दिए, जैसे पहला पांचवा प्रश्न है तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर छठे प्रश्न का ये आपको सोलो करके बता दिया है, और उसी प्रकार ये आरोही क्रम में जो लिखने को कहा गया है तो उसका क्रम ये कुछ इस प्रकार रहेगा, -7 - 1 फिर 3 फिर 7 फिर 13, ये इसका बढ़ते क्रम में इसको लिख दिया गया है। ठीक है, ये आगे देखिए, ये फिर आंसर हमने दिखा दिए हैं, सरल कीजिए तो ये आंसर आप देख पा रहे हैं, ये इसको सरल कर दिया है। ठीक है, और ये 150 को 2:3 के अनुपात में बांटिए तो इसका आंसर आ जाएगा 60/90। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने आपका पेपर सॉल्व कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।